हेलो फ्रेंड्स, अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंटर के एक और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट जो डायंथेस की फैमिली को बिलोंग करता है। उसका नाम है कार्नेशन। दोस्तों, इन फ्लावर्स को फ्लावर्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। ये फ्लावर्स कई रंगों और शेड में भी नर्सरीज में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, ये प्लांट नवंबर दिसंबर से खिलना शुरू करता है और अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं। ये फ्लावर प्लांट गर्मियों में अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें तो साल भर चल जाता है। गर्मियों में आप इसको शेड में रखें, पेड़ के नीचे रखें या फिर कुछ गमलों के बीच में रख दें। पानी का ध्यान रखें, पानी तभी डालें जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। गर्मियों में टॉप लेयर जल्दी ड्राई हो जाती है, टॉप लेयर ड्राई ना होने दें गर्मियों के मौसम में। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में इनकी छोटी छोटी कटिंग लगा के आप इनके कई पौधे फ्री में बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके पॉट साइज की। दोस्तों, कार्नेशन के पौधे को बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप 6 से 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आप इसके लिए ऐसा पॉट लो जिसकी डेप्थ या गहराई कम हो और चौड़ाई अधिक हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। दोस्तों, अन विंटर फ्लावर की तरह ही कार्नेशन की पॉटिंग मिक्स भी हमें वेल ड्रेन बनानी चाहिए। दोस्तों, वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट और 20% रिवर्स सेंड का प्रयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। दोस्तों, जाड़े के मौसम में इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए, और गर्मियों के मौसम में वाटरिंग हमें ऐसे करनी है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहे, मिट्टी ड्राई ना होने पाए। दोस्तों, अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर डाइल्यूट करके हर 10 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पेस्ट और डिजीज की। दोस्तों, इस पौधे में मार्च अप्रैल के मौसम में कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कीटों से बचाव के लिए हमें हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर किसी भी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए। दोस्तों, अंत में समय समय पर इसके स्पेंट फ्लावर की डेड हेडिंग अवश्य करते रहें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।